बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग व्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ फहद अली मौजूद हैं, जो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। फहद, हम आपको आज के इंटरव्यू के अंदर वार्मली वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा फहद, मैं थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने यूईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, यूईटी टेक्सला से। लेकिन इससे पहले कि मैं फॉर्मली आपका इंटरव्यू स्टार्ट करूं, मैं आपके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं जो ऐड करना चाहता हूं कि जो फहद हैं वो डिटर्मिनेशन की, कमिटमेंट की और रेजिलियंस की जिंदा मिसाल हमारे सामने मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो है 14 रिटन एग्ज़ाम जो हैं वो पास किए हैं, जो वन पेपर MCQs जो हैं वो बेस्ड 14 पेपर्स इन्होंने पास किए हैं, 6 इंटरव्यूज़ क्लियर किए हैं, 6 इंटरव्यूज़ अभी तक दे चुके हैं, उसमें से 4 जो जॉब्स हैं उनके रिजल्ट अभी पेंडिंग हैं। तो हाई होप्स हैं फहद आपके, जो आपके इंटरव्यूज़ हैं उनके रिजल्ट्स के हवाले से। थैंक यू सर। अच्छा फहद, थोड़ा सा हम आपके इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। आप इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इन फैसलाबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी इंटरव्यू होता है, आपके इंटरव्यू को देखें तो इसके अंदर भी 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, और तीसरे क्वेश्चन थे जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ के हवाले से थे। तो पहली चीज़ ये बताएं कि हम भी इसी कंपोजिशन की बेस के ऊपर चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा, पहली चीज़ ये ऐड कीजिएगा कि सम टाइम जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू के शुरू में एक सरप्राइज मिलता है कि वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं कि उनसे इंट्रोडक्शन उनका पूछा जाएगा, उसके ऊपर बात की जाएगी। तो आपसे चीज़ें जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वैसे ही हुई, आपसे भी इंट्रोडक्शन के ऊपर बात की गई, या आपको इस हवाले से कोई सरप्राइज भी मिला अपने इंटरव्यू के अंदर? जी सर, नहीं, आमतौर पे जैसे इंटरव्यू होते हैं, इस इंटरव्यू में भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन का ही कहा गया था। जो एक मेरे लिए सरप्राइज था वो यही था कि मेंबर्स जो हैं वो 3 होते हैं आमतौर पे PPSC में, तो फर्स्ट टाइम था कि 4 मेंबर्स थे। बस ये चीज़ नहीं थी, बाकी वही फॉर्मल चीज़ें थी। सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है और उसके आगे जो चीज़ें मज़ीद उसमें चलती हैं। ठीक है। तो अच्छा, आपके पैनल के अंदर जो थे वो 4 लोग थे, इज इट सो फहद जी? और राउंड अबाउट आपका इंटरव्यू, और राउंड अबाउट आपका इंटरव्यू कितनी कितने टाइम टाइम का था, कितना वक्त लगा? अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स का था, 15 मिनट का जो इंटरव्यू था उसका ड्यूरेशन था। ठीक है। अच्छा फहद, आप जो है इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने से पहले आप दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता थे, आप एक उस्ताद थे, तो आप और आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी फिजिक्स था, आप फिजिक्स पढ़ाते थे, तो क्या आपसे आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड आपसे कोई सवाल पूछे गए, नहीं पूछे गए? अगर आप इस हवाले से कुछ बता सकें हमें। जी वैसे भाई, ये तो बेसिक चीज़ है कि आप जो भी आपने डिग्री की होती है या आप जिस प्रोफेशन से वाबस्ता है तो उसके बारे में क्वेश्चन लाजमी होता है। फिजिक्स के रिलेटेड मुझसे एक कॉमन सा क्वेश्चन हुआ था, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो उसका मैंने आंसर कर दिया था। ये बड़ा कॉमन था और इजी था, तो मैंने उसका आंसर कर दिया था और फर्दर इस पे कोई इन्होंने क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा था। ठीक है, चलिए, आप लकी इनफ हैं कि आपसे इंजीनियरिंग के ऊपर भी बात नहीं की और जो फिजिक्स है उसके ऊपर भी बड़ा बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया। अच्छा, थोड़ा मुझे ये गाइड कीजिएगा कि आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डिपार्टमेंट है, ये जो जॉब है इसके डिफरेंट एक्ट्स हैं, क्या उनके बारे में भी सवाल हुए, क्या एक्सटेंसिवली क्वेश्चनिंग हुई या कुछ सीधा सीधा सवाल आपसे पूछे गए, इसके हवाले से आप एड ऑन कीजिएगा। जी जी, एक तो इसमें यहाँ पे मैं ये सजेशन भी मेरी तरफ से है कि एक चीज़ ऐसी है जो बड़ी एब्सोल्यूट है कि जिस डिपार्टमेंट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एटलीस्ट वो चीज़ हमारे पास होती है, हमें पता है इसमें से लाजमी क्वेश्चन पूछने हैं, और उसका एक सिलेबस होता ही है, उसका कोई एक्ट होता है या उसकी डिपार्टमेंट की चीज़ें होती हैं, तो वो तैयार करके जाना चाहिए। इसी तरह मैं तैयार करके गया था तो मुझसे वहाँ पर मैडम थी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, जो है डिपार्टमेंट की तरफ से आई थी,
उन्होंने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इंस्पेक्टर की, तो वो मैंने उनको बता दिया था कि इंस्पेक्टर्स की क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो एक साउंड किस्म का मैंने आंसर दिया था, इसलिए उन्होंने फर्दर कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा था। बेहतर है। अच्छा फहद, नॉर्मली नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी बात की जाती है, तो क्या आपका नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड जो पोर्शन था इंटरव्यू का, क्या वो भी इतना ही ब्रीफ था जितना आपके एकेडमिक से रिलेटेड था या जितना आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, या उसमें उन्होंने एक्सटेंसिवली क्वेश्चनिंग की? और अगर एक्सटेंसिव क्वेश्चनिंग की तो किस तरह के सवाल उन्होंने पूछे आपसे, अगर आप उनमें से कुछ को रिकॉल कर सकें? अभी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कुछ एक दो क्वेश्चन जो है वो मेरे माइंड में है। जैसे इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स उस वक्त हो रही थी, रशिया और यूक्रेन वार के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि उसकी वजूहत क्या है, उसकी इम्प्लीमेंट्स क्या होंगी और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अलबत्त ये कि नेशनल जो हमारी डेवलपमेंट्स थी उनमें एक ही क्वेश्चन आया था, जो कि नेशनल असेंबली के अंदर जो डेवलपमेंट्स लास्ट ईयर हुई थी उसमें उन्होंने आप जो है मुझसे एनालिसिस पूछा था कि आपका एनालिसिस क्या है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी तो उसमें पूछा गया था कि आप एनालिसिस करें, आप क्या कहते हैं उस बारे में। तो मैंने अपने मतलब नॉलेज के हिसाब से जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने हमेशा सबसे पहले ऊपर रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो चीज़ें बिल्कुल, और उनको हम सही मानेंगे। और ये एक तरह की इंटरव्यू में टिप भी है कि जब भी हम इंटरव्यू में जाएं तो जो पर्सनल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग बात है, लेकिन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऊपर रखें, कॉन्स्टिट्यूशन को ना छोड़ें, उसके आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं आप जब भी किसी चीज़ का आप आंसर करें तो उसको रिलेट कर सकते हैं। अगर आप रिलेट करते हैं तो वो उसका एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो पड़ता है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है फहद, इसके अलावा, इन दो सवालों के अलावा, शायद आप कुछ बता रहे थे कि कुछ एब्रीविएशंस के ऊपर भी आपसे शायद की बात हुई, अगर आप उनमें से कोई एब्रीविएशन रिकॉल कर सकें। शायद मुझे याद आ रहा है कि सीसीआई के जी बारे में हाँ, पूछा, काइडोर के बारे में कुछ बात हुई आपसे पैनल की। जी, आमतौर पे क्या है कि जो इंटरव्यू पैनल का हेड होता है, चेयरमैन होता है, तो वो जीके के और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछे होते हैं मुझसे। उन्होंने दो थी जिसमें एक सीसीटीवी था, एक काइबोर था और एक सीसीआई था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो उसमें एक दो मुझे आई थी और एक दो मुझे नहीं भी आई थी, तो वो मैंने उनको मतलब एक्सप्लेन कर दी थी, बता दी थी। और ये एब्रीवेशन एक ऐसी चीज़ है कि ये तकरीबन हर इंटरव्यू, मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यू दिए हैं शायद एक आधा इंटरव्यू ऐसा होगा कि जिसमें कभी किसी ने पूछा ना हो, वरना लाजमी तौर पे कोई ना कोई एब्रीवेशन जो है वो पूछते हैं। वो असल में बंदे का नॉलेज है वो चेक करते हैं, उसका इंटरेस्ट चेक करते हैं, न्यूज़ से किस तरह वाबस्ता है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है फहद, एक और चीज़, नॉर्मली स्टूडेंट से बात की जाती है उनकी, जब कोई इंटरव्यू के लिए आता है तो उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी वीकनेसेस पे, उसकी रीडिंग हैबिट्स पे, उसकी फेवरेट पर्सनालिटी पे, तो क्या इस तरह का कोई सवाल आपसे भी पूछा गया, या ये एरिया उन्होंने ओवरलुक किया और उन्होंने इसके इन इनमें से किसी सवाल के ऊपर बात नहीं की आपसे? जी नहीं, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, अलबत्ता फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में बात हुई थी कि आप किन को पसंद करते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली हर बंदा तैयार करके जाता है, तो मैं समझता हूँ वो दो से तीन तैयार करके जाने चाहिए। जैसे मैंने अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो है, मैं उनको लाइक करता हूँ, उनकी सर्विसेज की वजह से मैं लाइक करता हूँ, तो वो मेरे अंदर उसकी जो एक आपके अंदर वो उस तरह की नेचर होती है, तो अब उसके अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो पसंद करते हैं। जब उनके बारे में मैंने उनको बताया तो फिर उन्होंने पूछा कि आप स्पोर्ट्स में किसको पसंद करते हैं, तो मैंने फिर स्पोर्ट्स में बताया कि जो बाबर आजम है मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, उनकी वजह उन्होंने पूछी है, तो मैंने बताया कि वो टेक्निक उनकी खेलने की अच्छी है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये एक ऑनर की बात है, दैट इज़ वाई मैं उनको जो है पसंद करता हूँ। ठीक है फहद, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूँ, चूँकि मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, तो ये हायरिंग और रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ये साइको एनालिसिस, ये चूँकि इट इज़ पार्ट ऑफ माई फील्ड, तो मैं थोड़ा ऐड ऑन कर दूँ कि जो आपसे फेवरेट पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है, वो बेसिकली साइकोलॉजी के मुताबिक एक आपका रियल सेल्फ होता है और एक आपका आइडियल सेल्फ होता है। तो फेवरेट पर्सनालिटी से वो ये मुराद लेते हैं कि वो आपका आइडियल सेल्फ है
और आप वो बनने की सारी जिंदगी कोशिश करेंगे। तो अगर मैं रिलेट कर सकूं कि अगर एदी साहब आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है, तो आप जो अपने इलाके के अंदर जो एनजीओ चला रहे हैं, जो सोशल वर्क करती है, आई थिंक सो उसका नाम है लर्न विद अस, ऐसा ही है कुछ, तो जी, आप एसोसिएट कर सकते हैं कि वो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं वो स्पिरिट मौजूद है जिसकी जो आपको ड्राइव करती है, और आपकी इतनी इंक्लिनेशन जो है वो एडी साहब की तरफ है, और वजह तौर पे एडी साहब की जो खिदमात है वो ग्रां कदर है। अच्छा थोड़ा सा जो है फहद, मैं आपसे ये पूछ सकूँ कि कोई ऐसा सवाल जो आपकी एक्सपेक्टेशन से हटके हो, जिसने आपको थोड़ा एस्टोनिश किया हो, थोड़ा आपको सरप्राइज किया हो, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं आपके इंटरव्यू का कोई सवाल ऐसा। हाँ जी, ऐसे है कि क्योंकि तीन पोर्शन ही जैसे हमने पहले डिस्कस किया है वही इंटरव्यू का हिस्सा होते हैं। अलबत्ता एक क्वेश्चन था, उन्होंने जो फोर्थ मेंबर थे उन्होंने पूछा था मुझसे कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, तो ये थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन था कि जिससे मैं समझता था कि शायद मुझसे इसका कोई इतना ज़्यादा तल्लुक नहीं था। तो लेकिन वो असल में क्योंकि ये जॉब इंस्पेक्टर की कुछ इस तरह की है, इससे रिलेटेड है, तो हम अभी इंटरव्यू में थे, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं भी पता होती। तो बहरहाल वो क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया था, वो मेरे लिए आसान था, बड़ा अच्छा आंसर मैंने किया था उनको, तो वो सेटिस्फाई थे उस क्वेश्चन से। नॉर्मली इस तरह का सवाल पूछा जाता है जब कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो जो जी जो कोई बंदा उनके पास आता है, तो उससे इस तरह के सवाल वो ज़्यादा पूछते हैं। बट एनी हो, ये बात ठीक है कि एक इंजीनियर से ये सवाल थोड़ा सा एक नई चीज़ थी। अच्छा हाँ तो जी थोड़ा सा ब्रीफली, हम चूँकि आपने तकरीबन 14 के करीब आपने एग्ज़ाम पास किए हैं, 6 इंटरव्यूज आपके क्रेडिट के ऊपर हैं, 4 का रिजल्ट पेंडिंग है, और आप बड़े हाई एस्पायरिंग जो है वो आप एस्पायरेंट हैं। अगर आप कोई एक टिप दे सके, क्योंकि आपने एफपीएससी के एग्जाम, तो आपने मतलब मेरे सामने लाइन है आपकी कि रेवेन्यू ऑफिसर, फेस्को असिस्टेंट कंट्रोलर स्टोर रेलवे, अच्छा इंस्पेक्टर एमओडी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर एएसएफ, कस्टम इंस्पेक्टर, अप्रेजिंग ऑफिसर, असिस्टेंट कंट्रोलर, एग्जामिनेशन डेवलपमेंट, एंड इट्स गोज ऑन। तो आपके एफपीएससी के अंदर आपका जो ओवरऑल स्कोर है, आपकी परफॉर्मेंस है, बड़ी अच्छी रही है। अगर कोई एक टिप दे सकें देखने वालों को जो प्रिपरेशन कर रहे हों, जो उनको हेल्प करे आपके एक्सपीरियंस की वजह से। जी व्यास भाई, इसमें जो एफपीएससी का इसमें सिलेबस है ये पोर्शन में होता है, 5 पोर्शन इसके होते हैं अमूमन, या 4 पोर्शन होते हैं। हर जो जॉब टाइटल है उसके लिए डिफरेंट किस्म का पेपर होता है। एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि हर पेपर के अंदर इंग्लिश का पोर्शन 20 नंबर का, वो हर पेपर में होता है। तो मैं ये टिप देना चाहूँगा कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, जब भी आप किसी भी एग्जाम में बैठें एफपीएससी के थ्रू, तो सबसे पहले आप इंग्लिश अपनी प्रिपेयर करें, वो उसमें बेसिक ग्रामर आ जाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना सिर्फ एफपीएससी में आपको मदद हेल्प आउट करेंगी, इसके अलावा ये आपको पीपीएससी में भी, और इवन के सम टाइम ऐसे होता है कि इंटरव्यू के अंदर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के बारे में वो क्वेश्चन जो है पूछ ले। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो जनरल सीट्स आती हैं, कस्टम डिपार्टमेंट की आ गई हैं, एफआईए की सीट्स आ गई हैं, आईबी की सीट्स आ गई हैं एफपीएससी की, तो उसमें मैथ और करंट अफेयर का पोर्शन जो है ये 20-20 नंबर का होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैथ एक बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और करंट अफेयर आखिरी 2 साल के जो उसमें आते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस अगर आप तकरीबन 1 मंथ कर लेते हैं या 15 दिन कर लेते हैं तो वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो हो जाता है। ठीक, अच्छा बिल्कुल ठीक, बड़ी अच्छी टिप्स आपने दी हैं। अब एक और चीज़ फहद, कि आपने माशाल्लाह 6 इंटरव्यूज भी दिए हैं, तो इंटरव्यू के हवाले से अगर आप कोई टिप शेयर करना चाहें देखने वालों के साथ, तो जिससे उनको फ़ायदा हो सके आपके एक्सपीरियंस की बेस पे, तो प्लीज़ शेयर करें आप। जी, इंटरव्यू में एक चीज़ जो है वो बिल्कुल हमारे हाथ में होती है, जो इंटरव्यू देने जा रहा है उसमें सबसे पहले तो उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है और उसका उसका इंट्रोडक्शन कैसा है, क्या उसने अपना इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से तैयार किया है या नहीं किया है, उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उसकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्या है। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ के जाना, ये एक पूरा पोर्शन है जो हम तैयार करके जा सकते हैं, और हमारा इंटरव्यू जो है वो प्रोसीड इसी पे आगे करता है। अगर हमने कोई पर्सनैलिटी बता दी है तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, कोई जगह बोल दी है तो उसके बारे में वो पूछेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जो कैंडिडेट है इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छी तरह प्रिपेयर करके जाए।
ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जो आपका आपका जो इंट्रोडक्शन है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव जी बिल्कुल एंड बिल्कुल इंटरेस्टिंग। जी जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी बात, आखिरी सवाल पर हम उसके बाद कंक्लूड करेंगे अपने इंटरव्यू को। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी तरह हाईली क्वालिफाइड होते हैं और समटाइम वो रिलक्टेंट फील करते हैं इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के हवाले से। आपने ज्वाइन क्यों किया और क्या ये आपको आपके जो फ्यूचर अल्टीमेट गोल्स हैं उनको अचीव करने के अंदर हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि बाकी जो आप जैसे लोग हैं अगर वो इस तरह की सिचुएशन में आए तो वो अपना एक बेहतर फैसला कर सकें इस हवाले से। जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो डिपार्टमेंट है इसमें जो बर्डन है काम ओवर आप कह सकते हैं वर्कलोड है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे जब मैं रिकमेंडेशन जब मुझे मिली थी तो मैंने तो उसे फौरी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि सीनियर्स ने बताया था कि ये एक अच्छा डिपार्टमेंट है, आप इसके साथ स्टडीज भी कर सकते हैं, अपने आपका काम भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिपार्टमेंट अगर किसी को मिलता है तो ये वो बहुत खुशकिस्मत बंदा है, वो उसके लिए इतना टाइम है कि वो कोई भी आगे अटेम्प्ट दे सकता है और किसी किस्म का एग्जाम जो उसकी तैयारी कर सकता है तो उसके लिए फायदा मंद है। अलबत्ता जॉब हासिल करना तो वो एक पूरा प्रोसेस है, आप पीपीएससी के थ्रू एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो सारा प्रोसेस चलता है। अलबत्ता मैं प्रेफर करता हूँ, बहुत सारी जॉब से ये जॉब जो है वो अच्छी है, क्योंकि ये हमें आगे फ्यूचर में कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयारी करने के लिए एक अच्छा टाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है फहद, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके आपका इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा और अब दिल से दुआ है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द वेसल ऑफ माई हार्ट, या जिसको हम कहते हैं फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके फ्यूचर एम्बिशंस को लेके। और आपने सेल्फ मेड आदमी है, मैं बताना चाहूँगा सारे दोस्तों को कि आप सेल्फ मेड आदमी हैं और बहुत ही डिटर्मिंड हैं, तो बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको आपके फ्यूचर गोल्स में और फ्यूचर एम्बिशंस के अंदर कामयाब करे। बहुत आपके टाइम का बहुत हाँ शुक्रिया, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर, थैंक यू।